कैसी लग रही हूं? सुंदर लग रही हूं? नहीं? चलो अभी तैयार होके आती हूं, आप भी तैयार हो लीजिए, सुंदर से बन के आना, क्योंकि आज ब्यूटी कंटेस्ट है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल का, हरियाणा में ब्यूटी कंटेस्ट है। आप सब भी तैयार हो लीजिए, चलो चलते। हेलो, देखो मैं आ गई, तैयार होके आई हूँ। देखो मैंने कर्ल बनाए हैं, कर्ल कैसी लग रही है? हाँ, इतना तो करना ही पड़ता है, इतना तो मेकअप, इतना तैयार होना ही पड़ता है, सजना ही पड़ता है, क्योंकि ब्यूटी कंटेस्ट है हरियाणा में। और मुझे लगता है कि आप भी सब तैयार हो गए होंगे, तो चलो चलते हैं, देखते हैं, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे ब्यूटी कंटेस्ट में। बहुत बहुत मतलब अच्छे लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, और हम ज़रूर प्राइज़ भी जीत के आएंगे। चलो चलते हैं। मैं चुप हो जाती हूँ, ठीक है, क्यों रो रही हूँ बताओ? मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कोई प्राइज नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? पता नहीं क्यों नहीं मिला, मैं वहां गई थी, वहां मेला लगा हुआ था, वहां बहुत सारे लोग इधर उधर सारे घूम रहे थे, और मैं भी वहां घूम रही थी, इधर उधर देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वहां पे ना अनाउंसमेंट हो रही है कि कौन विनर है, उसका नाम भी बता दिया उन्होंने, मेरा नहीं मिला। अच्छा, नहीं रोती नहीं रोती, हाँ बताती हूँ बताती हूँ। वहां पे ना पता है किसको प्राइज मिला? फर्स्ट प्राइज जो मिला वो रूबी, रूबी को मिला। हाँ मुझे नहीं मिला। रूबी पता है कौन है? वो रूबी हमारी ना वो है, हांसी, हांसी की है, उसको प्राइज मिला है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। उसको ना रेड रेड वो भी पहनाया था यहाँ पे सैश, और उसकी पीठ पे भी पहनाया था उन्होंने, रिबन भी बांधा था, मेरे को नहीं मिला। दिखाऊं कौन है रूबी? अभी दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ, आप देखना। सामने से जो किसान भाई हमें और आपको और हमारी ये जो टी है प्यारी सी इसे देख रहे हैं, उन्हें पहले तो अपना परिचय दें। हाँ जी, मेरा नाम सुमन है जी, जी बुराइन डिस्ट्रिक्ट गांव बरसी, हांसी के पास। हाँ जी मैम, ये जो जोटी है आपकी, हाँ जी, इसने कौन सी कैटेगरी में और कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसने ये जोटी ड्राई ब्यूटी में पहला नंबर है जी, प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान। तो मैम जैसे कि आज हमारी जोटी ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत खुशी हो रही है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मतलब जो है जो मेहनत की गई, जो हमने इसमें मेहनत लगाई, जो अपना टाइम लगाया है, वो सब जो है कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। चार और आपका जो हौसला है, हाँ जी, इसे देख के मतलब जो है ऐसा लगता है कि आज जैसे कि स्लोगन हमारे देश में बन गए हैं, नो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर मेरे देश में ऐसी बेटियां होंगी तो उन्हें बचाने की जरूरत नहीं होगी, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी और आगे बढ़ के अपने आप को प्रूव करेंगी।
तो मैम जैसे कि अब ये दूसरे इलेक्ट्रेशन में है, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रेशन है तो उसमें इनका दूध का रिकॉर्ड क्या रहा? दूध का रिकॉर्ड ऐसे, इसका दूध सीआरबी वालों ने बंद कर रखा था, लेके हम बाहर नहीं गए, तो रिकॉर्ड इसका सिर्फ वीडियो ही बनवाई थी, उसमें 18.5 लीटर का दूध का रिकॉर्ड रहा है। अगली बार अब इसका दूध हमने जबरदस्ती बंद किया है, दूसरे ब्यांत में इसका रिकॉर्ड करवाएंगे। तो अब इनकी जो मदर का मिल्क रिकॉर्ड है वो क्या है? 26 लीटर जी। अच्छा 26 लीटर। तो ये जैसे के ये कौन से टीके की है? HLDV हरियाणा। अच्छा HLDV हरियाणा के टीके की है। हाँ जी। तो मतलब सरकारी सीवन की ही जो है झोटियां ज्यादातर जो अपना जो स्थान प्राप्त कर रही हैं। हाँ जी हाँ जी। और इनका बेटा है जो M29 का है। अच्छा वो M29 का है जो इनका बेटा है। हाँ जी इनका बेटा है। तो आपने इनका नामकरण भी कुछ किया हुआ है? हाँ जी, इसका नाम रूबी है। अच्छा रूबी। हाँ जी। इसकी माँ का नाम रानी है जिसकी माँ का नाम। अच्छा इनकी मदर का नाम रानी है। हाँ जी। तो मैम इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि आपकी ये झोटी आपका और अपना हमेशा सिर ऊंचा करती रहे, और ये आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।